देखो गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है, देखो तो गाइस देख लो, लेमोर्गिनी का भी हमारा लोगो आ चुका है। दिवा मेरे को दिया था बनवाने, ओके अभी एकदम बीच में लगा देंगे एंड मैच भी कर रहा है परफेक्ट। ये जो डैशबोर्ड है वहाँ पे भी लगेगा, हाँ बस यहाँ पे ये सही है। यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको हमने थोड़ा बनाया हुआ है मस्त कुछ इस तरीके से, देखो देखो येलो थोड़ा कम कर दिया, ब्लैक पार्ट बना दिया, ऐसा परफेक्ट दिख रहा है। एंड आगे भी थोड़ा बहुत काम बाकी है, आगे का व्हील खोल लेते हैं ऐसा कर। एंड व्हील के अंदर तो जो ब्लैक करना था वो हो चुका है डन चारों तरफ। आगे देखो अभी ना आगे देखो एकदम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो अच्छा मैच कर रहा है। एंड यहाँ पर हमने टैपिंग किया, ये जो पेंट किया हुआ है वो स्प्रे का ज़्यादा कलर उड़ा हुआ है वो सब अभी ब्लैक कर देंगे। मैंने आपको पहले बोला हुआ था ये जो हमारा ऊपर का टॉप है उसको हमको ब्लैक रैप करना है, बट हमने डाला था मेटेलिक, थोड़ा शेड चेंज हो गया था, तो हमारा जो ग्लास है ऐसा पूरा एक टॉप दिखना चाहिए, पूरा मैच होना चाहिए, तो ब्लैक ग्लोसी वाला रैप करेंगे इसके ऊपर, डोर के ऊपर, टॉप के ऊपर एंड वाला डोर के ऊपर। एंड बहुत सारा पार्ट भी कार्बन फाइबर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। बज चुके हैं एंड पूरी गाड़ी देखो हमारी टैपिंग हो चुकी है, यहाँ से भी कवर कर दिया पूरी गाड़ी को। अभी पीछे ब्लैक कलर करना है इसलिए आगे थोड़ा भी कलर ना जाना चाहिए, इसलिए पैक कर दिया। तो देख लो गाइस यहाँ से पूरी गाड़ी कैसी लग रही है, इंजन का जो पार्ट है वो भी पूरा ब्लैक हो चुका है, आजू बाजू सब ब्लैक कर दिया है, अभी अच्छा लग रहा है। एंड आगे भी व्हील के आजू बाजू ब्लैक कर दिया है एंड यहाँ पे भी ब्लैक है, पूरा सब कुछ मैच कर रहा है। तो कैसे आपने देखा गाड़ी का काम तो जोरों शोरों से चल रहा है, अभी एक काम बाकी है आपको बता होगा, पेंट हो चुका है एंड उसका जो हैमरी हो वो लग चुका है, सिरेमिक कोटिंग बाकी है, तो सोचा चलो अभी एक छोटा सा एक काम बाकी है वो कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर रैपिंग करना है, तो छोटा मोटा स्टिकरिंग करना है जैसे कि 63 लिखना है एंड इंडियन फ्लैग भी लगाना है, गाड़ी इटालियन होती है लेमोर्गिनी बट हमको इंडियन फ्लैग लगाना है, वो सब तो वो सब के लिए चाह रहा है। देख लो अभी कार्बन फाइबर रैप करने का काम चालू है, यहाँ पे देख लो यहाँ पे इतना रैप हो चुका है एंड यहाँ पे भी चालू है।
देख लो विंग्स पे भी हमने रैप कर दिया है कार्बन फाइबर, एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। अभी देखो पूरी गाड़ी एकदम भरी भरी लग रही है कार्बन फाइबर, मतलब पूरा फील आना चाहिए एकदम क्लासिक। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे जो DRL है उसके ऊपर हमने देखो कवर लगा दिया है, एक कवर लग चुका है। अभी देखो चालू करेंगे ना, बहुत ही मस्त दिखने वाला। चालू करो, देखो लग रहा है एकदम परफेक्ट। देखो गाड़ी का लुक कैसा आ रहा है, देखो तो देखो गाइस कुछ इस तरीके से सीधी लाइट दिख रही है, LED दिखती ही नहीं है। देखो सभी फाइनली मीटअप का टाइम आ चुका है, बस संडे को ही मीटअप होने वाला है। उसके लिए गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, छोटा सा काम बाकी है। छोटा सा काम क्या बाकी है आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा डोर है आपको पहले भी बताया हुआ था, यहाँ पे ब्लैक फिल्म करना बाकी है, वो तो हो जाता है, बट जो इसका बड़ा बड़ा जो काम बाकी था वो हमने लिपटा दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाओ एंड दूर से देखो गाड़ी में क्या चेंजेस है। देखो इसका व्हील्स देखो पूरा कार्बन फाइबर कर दिया हुआ है, लुक ना काफ़ी प्रीमियम आ रहा है। फिर पीछे का बिच देखो वो भी हमने कार्बन फाइबर कर दिया, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड डोर का फिनिशिंग देखो एकदम कार्बन फाइबर हो चुका है, ये भी बहुत ही मस्त लग रहा है। जो ये बोनेट है वो भी देखो कार्बन फाइबर हमने किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर स्टिकरिंग बाकी है, वो कल करेंगे, मतलब कल तक तो गाड़ी ओके हो जानी चाहिए। बाद में सैटरडे को अपन इसको सिरेमिक कोटिंग करके रख देंगे, आप आएंगे तब इसको रिवील करेंगे। एंड जितने भी लोग अहमदाबाद से हमारी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत ही नज़दीक के मीटअप होने वाला है, वो संडे को होने वाला है यहीं पे। इसका एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, SG हाईवे अहमदाबाद राजपाट क्लब, उसके पीछे फोर्टाडोर कार डिटेलिंग स्टूडियो जो कोटक हाउस के पास में ही है, यहाँ पे आप आ सकते हो। लाइव आपको गाड़ी देखने को मिलेगी, जो भी संडे को मीटअप पे आएगा उसको सबसे पहले गाड़ी देखने को मिलेगी, बाद में आप लोग देखने वाले हो यूट्यूब पे लाइव देखने को मिलेगी। एंड आप लाइव इसको देखोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वीडियो में तो उतना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा गाड़ी का साइज वाइज वगैरह, बट लाइव देखोगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा गाड़ी कैसी दिखती है चारों तरफ से, वैसा कुछ है। तो छोटा मोटा काम बाकी है वो कल कर लेंगे, आज बहुत सारा काम हमने कर दिया हुआ है, आप देख ही सकते हो सब कुछ लग चुका है। एंड ऐसे बॉर्डर वॉर्डर भी बना दिया, इसका वायरिंग वायरिंग सब कुछ हो चुका है, अंदर का इंटीरियर तो ओके ही है, इसका डिस्प्ले वगैरह सब कुछ लगा ही दिया है, बस काम बाकी है इसका छोटा मोटा स्टिकरिंग का जो मैं कल बनवा के लेके आऊँगा, बस आके लगा देना है, उसके बाद सिरेमिक कोटिंग गाड़ी ओके आप सबके सामने। गाइस यहाँ पे कार्बन फाइबर आपको दिख रहा है कितना मस्त लग रहा है, सही है। यहाँ पे देखो ग्लास भी फिटिंग कर लिया है, ये वाला ग्लास इसको सिलिकॉन लगाया हुआ है, इसलिए हमने सी क्लैंप लगाए हुए हैं सूखने के लिए, वो सी क्लैंप कल निकल जाएंगे एंड हमारा जो ग्लास है वो परफेक्ट फिटिंग हो जाएगा, वो सब कुछ कल हो जाएगा। It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, better do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever.